एक लॉयर एक मैरिड लेडी के पैर में पड़ता है। ये अपने प्यार के बीच में किसी को भी नहीं आने देना चाहते हैं। आज की हमारी मूवी ये बॉडी हिट 1981 की एक अच्छी थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। इसमें ट्विस्ट भी अच्छा आता है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नेड, इसे हम एक लड़की के साथ देख सकते हैं। ये बहुत ही हैंडसम और प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि नेड एक लॉयर है, उसके जज के साथ उसकी डिस्कशन हो रही थी। एक्चुअल में नेड ने एक करप्ट क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए जज उसे सुना रहा था। इसी केस का प्रोसिक्यूटर जिसका नाम है पीटर, ये भी नेड का फ्रेंड ही है। केस खत्म होने के बाद ये दोनों कैफे में आते हैं और हैंग आउट करते हम देख सकते हैं। रात में बीच पर एक शो चल रहा था जहाँ पर नेड था। एक लड़की उसे पास होती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मैटी। मैटी अकेले ही सिगरेट पी रही थी, तो उसे जाकर वो अप्रोच करता है। कहता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ खड़े होने दूंगा अगर तुम इस हीट के बारे में बात नहीं करोगे। यानी कि वो ऐसे जता रहा था कि मैटी ने उसे अप्रोच किया है। मैटी डायरेक्टली उसे कहती है कि मैं मैरिड हूँ, यानी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैट कहता है कि तुमने मैरिड कहा, हैप्पीली मैरिड नहीं। मैटी कहती है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। इसके बाद नेड कहता है कि तुम्हें जो जो अच्छा लगे यह सब क्वालिटीज़ मुझ में है। वो उसके लिए ड्रिंक बाय करना चाहता है। मैटी कहती है कि मुझे एक हस्बैंड है, तो नेड मजाक में कहता है मैं उसके लिए भी ड्रिंक बाय करूँगा। वो कहती है कि वो आउट ऑफ टाउन है। नेड कहता है यह तो और भी अच्छा है। अब नेड मान नहीं रहा था, तो मैटी उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ बाय करना ही है तो आइसक्रीम बाय कर दो। मैटी का आउटफिट बहुत ही अच्छा था, तो नेड कहता है कि तुम पाइन हेवन में रहते होंगे। इस सिटी का बहुत ही रिच एरिया है और मैटी रिच लगती है। मैटी भी इसके लिए एग्री करती है। वो पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। मैटी कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, मुझे भी मेरा खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैटी कहती है कि फिर तुम शादी कर लो। नेड कहता है मुझे आज रात की ही ज़रूरत है। इस पर वो हंसी और उस वजह से उसका आइसक्रीम उसके ड्रेस पर गिर गया। वो नेड से कहती है जाकर मेरे लिए कुछ टिश्यू पेपर लेकर आओ। जब नेड वापस आया तब तक मैटी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसे ढूंढने की नेड ने बहुत कोशिश की, पर कहीं भी उसे वो नहीं मिली। एक दो दिन गुजर जाते हैं, तो उसके बाद पाइन हेवन में जो एक बार है वहाँ पर वो पहुँचता है। यहाँ पर मैटी उसे मिल जाती है। नेड को देखकर वो सरप्राइज्ड है। वो कहती है कि आजकल गर्मी बहुत ही बढ़ चुकी है। घर के बाहर चाइम्स की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कि कोल्ड ब्रीज होगी, पर वो भी गर्म ही थी। वो फिर उसे पूछती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। नेड कहता है कि मैं उस आदमियों में से नहीं हूँ, उसका कुछ काम था इसीलिए वो यहाँ आया हुआ था। इस बार में कुछ और आदमी है जो नेड की तरफ गुस्से से देख रहे थे। वो मैटी से पूछता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैटी कहती है कि उन्होंने मुझे अप्रोच करने का ट्राई किया था, पर मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया। तुम बहुत समय से आ हो तो तुमसे जेलस है। नेड कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और इतने ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ आई हो, इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हें ऐसे रात में अकेले बार में नहीं आना चाहिए। मैटी कहती है कि सब चीज़ों से मैं तंग आ चुकी हूँ, अब क्या होगा इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम इस फीलिंग से रिलेट कर सकते हो। नेड कहता है कि हाँ, कभी कभी मुझे लगता है सब चीज़ें आकर मुझ पर ही गिरेगी, मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद वो डायरेक्टली उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। ये कहती कि मैं कार में आई थी तो इसका वो पीछा करने वाला है। मैटी कहती है कि एक छोटा सा टाउन है, इन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया है, मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं पहले जाती हूँ उसके बाद तुम आना। नेड कहता है इन्होंने तो ऑलरेडी हमें देख ही लिया है, इससे और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैटी उसे ज़ोर से झापड़ मारती है और दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है। नेड को यह समझ आ गया था, वो बाहर उसके लिए वेट करता है। ये दोनों फिर मैटी के घर पर आते हैं। नेड को एक्चुअल में मैटी जिस चाइम्स के बारे में बात कर रही थी उसे देखना था। ये देख लेता है तो मैटी उसे घर के बाहर निकाल देती है। वो चाहती थी कि इंटीमेट हो, पर उसने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है। उसने उसे किस किया, उसे बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। वो फिर से डोर के पास आता है तो मैटी घर के अंदर जिस जगह पर खड़ी हुई थी वहीं पर खड़ी है। ये अंदर आने की कोशिश करता है पर सब डोर्स लॉक्ड है। बड़ा सा पत्थर लेकर वो एक खिड़की को तोड़ देता है। अंदर आने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस रात के बाद ये बार बार मिलने लग गए।
एक बार इंटीमेट होने के बाद मैटी अपने बेडशीट्स बदल रही थी। नेड उसे पूछता है, यह तुम्हारी मेड नहीं है? मैटी कहती है कि उसे अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है, नॉलेज ही पावर होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नेड को उसके फ्रेंड्स के साथ हम देख सकते हैं। ये बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं था तो उन्हें अब शक आने लग गया है। उन्हें लगता है कि नेड अब किसी औरत के साथ है। ये उसे पूछने की बहुत कोशिश करते हैं पर नेड उनसे कुछ भी नहीं कहता। इस फ्रेंड्स में हम देख सकते हैं यहाँ प्रोसिक्यूटर और एक पुलिस ऑफिसर है। ये जब हीट के बारे में बात कर रहे थे तो नेड का पुलिस फ्रेंड कहता है, इस हीट की वजह से लोगों का दिमाग भी गर्म हो जाता है, सिटी में क्राइम्स बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेड और मैटी जब एक साथ थे तो मैटी नेड से कहती है कि मेरा हस्बैंड कल आने वाला है। वो अपने हस्बैंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती, वो कहती है कि वो वीक है और एक घटिया आदमी भी। मैटी के हस्बैंड के जाने के बाद एक दिन नेड उसे मिलने के लिए आया। उसे डायरेक्टली पूछता है, क्या तुम्हें इंटीमेट होना है? जिससे वो बात कर रहा था, जब वो मुड़ी तो मैटी नहीं थी। नेड को बहुत ही एम्बैरेस्ड फील हुआ। मैटी भी नेक्स्ट मोमेंट में वहां आ जाती है। वो कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है मैरियन। उसने जो डायरेक्टली कहा इसी वजह से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे लगा कि अब इन दोनों की चोरी पकड़ी जा चुकी है। मैटी कहती है कि तुम ज्यादा वरी मत करो, मैरियन मेरी एक अच्छी फ्रेंड है और कभी भी मेरा कवर वो ब्लो नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नेड और मैटी मैटी के हस्बैंड के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैटी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी आधी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। उसका हस्बैंड बहुत ही रिच है तो अपनी लाइफ में मैटी को और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। नेड उसे पूछता है, तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच कैसे है? मैटी कहती है कि मुझे लगता है कि वो कुछ इलीगल करता है। जब भी मैं उसे पूछती हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ तो बता देता है, यानी कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। पर मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ वो है उनके साथ वो कुछ इलीगल कर सकता है। उसके फ्रेंड्स बहुत ही डेंजरस है, वो उसे हेट करती है और चाहती है कि वो मर जाए। ये ऑलमोस्ट मैटी के हस्बैंड को मारने की बात कर रहे थे। नेड इस कन्वर्सेशन को रोक लेता है, कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। एक रात ये दोनों बीच पर हैंगआउट करने के लिए आए हुए थे। नेड मैटी से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं लेती, फिर भी तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल ही जाएंगे। मैटी कहती है कि शादी से पहले ही उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिवोर्स हो जाने के बाद एक साल तक उसे सिर्फ थोड़े से पैसे मिलेंगे, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। नेड कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैटी उसे पूछती है क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नेड कहता है कि नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी मैटी के पास पैसे हो या ना हो उसके साथ ही रहने वाला है। मैटी फिर नेड को एक गिफ्ट देती है, एक हैट है। उसे कहती है तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम पर सब कुछ गिर जाएगा, यह हैट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट था। मैटी का हस्बैंड हमेशा बिजनेस के लिए घर से बाहर रहता था। एक दिन वो जब घर पर आया तो अपनी सिस्टर की डॉटर को लेकर आया। जाते वक्त मैटी के पास ही उसे छोड़ कर गया। अब बहुत ही दिन हो चुके और अपने हस्बैंड की वजह से मैटी नेड से मिल नहीं पाई। वो एक पेफोन से उसे कॉल लगाती है। वो उसे कहती है आज रात मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। मैटी के सिस्टर इन लॉ की डॉटर अभी भी घर में ही थी, उसने उसे सुला दिया और फिर नेड के साथ ही इंटीमेट हो रही थी। इस छोटी लड़की को एक पूरा सपना आया जिसकी वजह से वो नीचे आ गए। इसने मैटी और नेड को इंटीमेट होता देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे मैटी की सिस्टर इन लॉ अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। सिस्टर इन लॉ को हमेशा से लगता है कि मैटी उसके ब्रदर के लिए गलत है तो इससे वो सही से बात नहीं करती है। एक दिन नेड डिनर करने के लिए एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वहां पर मैटी भी आ गए पर वो अपने हस्बैंड के साथ थे। ये आमने सामने आ गए थे और हस्बैंड को पता चल चुका था कि एक दूसरे को जानते हैं। मैटी हस्बैंड से कहती है कि वही लॉयर है जो हमारी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे। उसका हस्बैंड भी इसे सच मान लेता है, ज्यादा उस पर शक नहीं करता। वो नेड को उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं। मैटी का हस्बैंड कहता है कि मैं भी लॉयर हुआ करता था पर उसे वो जॉब अच्छा नहीं लगा, उसे ज्यादा पैसे कमाने थे तो इसीलिए अलग अलग चीजों में आ गया। आप करते क्या हो? हस्बैंड कहता है कि मैं लैंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, स्टार्टअप्स के लिए लोन देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसे मैटी जरा अनकंफर्टेबल हो गई। वो फिर वॉशरूम चली जाती है। मैटी का हस्बैंड नेड से कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर उसने किसी के साथ अफेयर किया तो मैं उसके लवर को मार डालूंगा। नेड कहता है इस बात को मैं समझ सकता हूँ, अगर उसकी जगह होता तो यही करता। अब मैटी का हस्बैंड फिर से अपने बिजनेस के बारे में बात करने लग जाता है। वो कहता है कि एक बार बिजनेस आइडिया लेकर एक आदमी मेरे पास आया, वो बहुत ही ईगर था, उसके पास नॉलेज था
पर जो चीज़ चाहिए होती बिजनेस के लिए वो चीज़ उसमें नहीं थी। हस्बैंड कहता है कि जो नेसेसरी हो वो करना चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोगों को किसी भी हद तक जाना चाहिए। कोई भी इलीगल चीज़ करने के लिए हस्बैंड पीछे नहीं रुकता, ये यहाँ से हमें पता चलता है। मैटी का हस्बैंड जाने के बाद तुरंत वो नेड के पास आती है। उसके ऑफिस में आई तो नेड कहता है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें कोई देख सकता था। मैटी कहती है कि मैंने पहले वेट किया, तुम्हारी सेक्रेटरी को जाने दिया, यानी कि मुझे कोई देख ना सके। नेड कहता है कि अब हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, तुम मुझे ज़्यादा कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन कंपनी के पास इस सब के रिकॉर्ड्स होते हैं। मैटी पूछती है तुम ये क्या बात कर रहे हो। नेड कहता है कि अब हम तुम्हारे हस्बैंड को मार डालने वाले हैं, हम दोनों इस बारे में सोच रहे थे पर कोई बोल नहीं रहा था, अब सिर्फ हमारे लिए हम ये करेंगे, मुझे नहीं पता कि वो डिजर्व करता है या नहीं। मैटी के हस्बैंड की एक खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी को देख कर आया जहाँ पर उसकी बॉडी डिस्पोज कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में मैटी और नेड ये दोनों बात कर रहे थे। मैटी कहती है कि मेरे हस्बैंड के मर जाने के बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी उसकी सिस्टर को चली जाएगी, तुम एक लॉयर हो तो तुम इस विल को तो चेंज कर ही सकते हो। नेड कहता है कि मैं कर तो सकता हूँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अब तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ में जो भी चीज़ें जिस तरह से चल रही थी उसी तरीके से चलनी चाहिए, अगर कुछ भी उल्टा सीधा दिखा तो हम पर शक आ सकता है। मैटी भी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद नेड एक आदमी से मिलने के लिए आया था, मैटी ने जिद की कि वो भी उसके साथ चलेगी, जो भी रिस्क है वो एक साथ लेंगे। वो एक मैकेनिक से मिलने के लिए आया था, ये जो मैकेनिक है ये पहले इलीगल काम करता था, बॉम्ब्स बनाता था, वो लीगल ट्रबल में आया था तो नेड ने उसे सेव किया था। अब नेड उसी की मदद लेकर एक बॉम्ब क्रिएट करता है। मैकेनिक नेड को बहुत ही ग्रेटफुल है क्योंकि उसी की वजह से वो बचा था। वो नेड को सलाह देता है, तुम जो भी प्लान कर रहे हो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुमने ही मुझे कहा था एक क्राइम के पीछे बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, अगर तुम्हें वो सब चीज़ें दिख नहीं रही तो कभी भी क्राइम मत करो, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो जो क्राइम कर कर बच जाओगे। नेड इस बेचारे की बात नहीं सुनता, अपने प्लान के साथ ये अब आगे बढ़ते हैं। वो मैटी से कहता है कि अब मैं मायामी चला जाऊंगा, तुम मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, उसी रात वो मर्डर करने वाले हैं। मैटी का हस्बैंड टाउन में आ गया, रात में उसे नींद नहीं आ रही थी तो नीचे जाकर वो ड्रिंक करने वाला था। अगर मैटी का हस्बैंड नीचे जाकर ड्रिंक कर रहा है तो नेड को आने में तकलीफ होगी, उसे पहले ही पता चल जाएगा और ये दोनों उसे मार नहीं पाएंगे। मैटी जगी हुई थी और अपने हस्बैंड को जाने नहीं देती, उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। अचानक से नीचे से नेड का आने का आवाज़ आता है, मैटी का हस्बैंड उठता है और डायरेक्टली गन निकालता है। मैटी को इस गन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बहुत ही डर गई थी। जब उसका हस्बैंड नीचे गया तो मैटी जोर से चिल्लाई कि उसके पास गन है। नेड सावधान होकर उस पर वार कर देता है, फाइनली उसने उसे मार दिया। उसकी बॉडी उसने कार में रखी और उसी की प्रॉपर्टी पर जाकर उसे डंप कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी उसने बॉम्ब लाया हुआ था, इस बॉम्ब की वजह से आग लग गई। इसका प्लान था कि सब लोगों को लगेगा कि आग की वजह से ही मैटी के हस्बैंड की डेथ हो गई। अगले दिन नेड को उसके ऑफिस में कॉल आता है, ये कॉल मैटी के हस्बैंड के लॉयर का है। वो कहता है कि मैटी ने मरने से पहले अपनी विल चेंज की थी और उसने ये नेड से करवाई थी, इसके बारे में उसे नेड से बात करनी है। नेड समझ जाता है कि यह सब मैटी ने ही किया है, उसने उसे मना किया था पर फिर भी उसने कर डाला है। इसके बाद मैटी के हस्बैंड का लॉयर, उसकी सिस्टर इन लॉ नेड और उसका एक फ्रेंड जो एक प्रोसिक्यूटर है, ये सब वहाँ मिले। लॉयर कहता है कि विल चेंज कर दी गई थी, इसी वजह से उसमें प्रॉब्लम है, इस विल को हम वैलिड नहीं समझ सकते, अब कोई भी विल वैलिड नहीं है, तो मैटी के हस्बैंड के सारे पैसे अब मैटी को मिलने वाले हैं। प्रीवियस विल में मैटी को और उसकी सिस्टर इन लॉ को आधे आधे मिलने वाले थे। इनकी मीटिंग खत्म हो जाने के बाद मैटी और नेड एक दूसरे से बात करते हैं। नेड मैटी पर बहुत ही चिढ़ चुका है, नेड ने प्रीवियस में एक बार गलत विल लिखी हुई थी जिस वजह से उसे बहुत ही ट्रबल आया था, इस बार उसने कुछ भी नहीं किया पर फिर भी उसकी अब बदनामी हो गई। ये करना रिस्की भी था क्योंकि अब इन दोनों पर शक आ सकता है। मैटी नेड से कहती है अगर तुम्हें हेट मुझे करना है तो तुम कर सकते हो पर मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती, इन दोनों को मिले हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं। वो उसे रात में उसके घर आने के लिए कहती है। नेड जब अपने घर पर पहुंचा तो उसके फ्रेंड उसके लिए वेट कर रहे थे। फ्रेंड्स को पता है कि नेड एक प्लेबॉय है, शायद उसके मैटी के साथ भी संबंध होंगे। उसे गुस्से में पूछते हैं तुम उसके साथ इन्वॉल्व कैसे हो गए। मैटी कहता है
तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो हस्बैंड और वाइफ मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें वील बना कर दी। इसमें से पुलिस ऑफिसर कहता है, सबको लग रहा था मैटी का हस्बैंड आग की वजह से मरा, पर उसका मर्डर हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद ये मैटी ने ही किया होगा। नेड को वार्न करते हैं कि वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है, उसे तुम जरा दूर रहो। नेड कहता है कि तुम जरा लेट हो गए, उसे मुझे आज रात उसे मिलने के लिए बुलवाया है। जब तक मैं उससे अफेयर कर सकता हूँ तब तक मैं करूँगा, और वैसे भी मुझे मार कर उसे क्या मिलेगा, मेरे पास तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम तुम्हारी अय्याशी की वजह से एक दिन बहुत ही बुरे फंसोगे, और वहाँ से वो चले जाते हैं। जब मैटी और नेड एक साथ थे तो नेड ने उसे पूछा, तुम्हें विल इनवैलिड करने के बारे में कैसे पता है। मैटी कहती है कि मैं पहले ड्रग करती थी, मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। एक आदमी ने मुझे हेल्प की और उसी के फर्म में जॉब भी दिया, वो भी एक लॉयर हुआ करता था। उसे ऑफिस में उसने ये सब चीज़ें सीख ली थी। नेड कहता है कि अब पुलिस को तुम पर शक है। मैटी कहती है, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे मिले या ना मिले उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नेड को उसके फ्रेंड्स ने कॉल किया। उसका पुलिस फ्रेंड उसे पूछता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तब तुम कहाँ थे। नेड उस पर चिढ़ गया, कहता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। उसका फ्रेंड कहता है यह सिर्फ एक प्रोसीजर है, तुम्हें मैटी के साथ देखा गया था तो मुझे अब यह सब करना पड़ेगा। नेड का प्रोसिक्यूटर फ्रेंड कहता है इस केस में और भी इन्वेस्टिगेशन अब हो चुकी है। मैटी का हस्बैंड हमेशा ग्लासेस पहनता था, जहाँ पर उसकी बॉडी मिली उसके पास कोई भी ग्लासेस नहीं थे। इसका मतलब है उसका मर्डर पहले हो चुका था। उसके बाद उसकी बॉडी उस घर में लाई गई थी। उन्हें और एक चीज पता चली है कि मैटी का किसी के साथ अफेयर था। एक्चुअल में मैटी की सिस्टर इन लॉ की बेटी ने मैटी और नेड को एक साथ देख लिया था। उसने ये बात पुलिस को कही है, पर नेड कौन है उसे पता नहीं था, तो उसने कहा कि एक आदमी था। और भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सिस्टर इन लॉ और उसकी बेटी बाहर ही बैठे हुए हैं। नेड डरा नहीं, डायरेक्टली उनके पास जाता है और इस छोटी लड़की से बात करता है। उस पर वो इम्प्रेशन जमाना चाहता है, यानी कि उसके बारे में कुछ भी ना कहे। इसके बाद नेड का प्रोसिक्यूटर फ्रेंड एक कैफे में उससे मिला। इसके बारे में उन दोनों ने बात की, तो नेड के फ्रेंड को अब लग रहा है नेड ही था जो मैटी के साथ इंटीमेट हो रहा था। नेड फिर मैटी के पास आता है, वो बहुत ही गुस्सा है। वो पूछता है तुम्हारे हस्बैंड के पास ग्लासेस थे, वो अब कहाँ है। मैटी को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो कहती है कि शायद मेड ने क्लीनअप करते हुए उन्हें उठा लिया होगा। वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सस्पिशियस भी बिहेव कर रही है। नेड को ऐसा बुलशिट लगता है। वो कहता है अगर ऐसा होता तो उसने अभी तक हमें ब्लैकमेल कर डाला होता। मैटी उसे सॉरी कहती है, कहती है इस केस की वजह से हमारी रिलेशनशिप में जो भी सब हो रहा है उसे पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उनकी रिलेशनशिप में किसी भी वजह से कुछ भी डिफरेंस आ जाए। रात में नेड को उसके प्रोसिक्यूटर फ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया। वो कहता है कि इस सब चीज के बारे में हमने अब इन्वेस्टिगेशन की है। तुमने कहा था कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस रात तुम मायामी में थे, हम तुम्हारे होटल में गए थे। हमें वहां से पता चला पूरी रात तुम्हारे होटल में कोई तुम्हें रिंग दे रहा था, पर तुम वहां उसे उठाने के लिए नहीं थे। यानी कि इससे पता चलता है कि नेड वहां से गायब था। इसके बाद वो कहता है हमें किसी का कॉल आ रहा है। वो हमसे कहता है कि उसके पास मैटी के हस्बैंड के ग्लासेस हैं। इस ग्लासेस के फिंगरप्रिंट से किलर कौन था ये वो पता कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से नेड बहुत ही टेंशन में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेड एक लैंड बाय करने के लिए आउट ऑफ टाउन आया हुआ था। बहुत सालों पहले नेड ने एक विल में गलती कर दी थी, इसी वजह से उस पर केस हुआ था। जो लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ रहा था वो उसे फिर से मिलता है। नेड का करियर उसने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया था, तो नेड से कहता है कि हम दोनों प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, तुम समझ सकते हो मुझे करना पड़ा। मुझे उसके बाद गिल्टी महसूस हो रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए क्लाइंट भी भेजे थे। इस क्लाइंट का नाम वो मैटी बताता है। नेड बहुत ही शौक हो जाता है, क्योंकि जब वो मैटी से मिला था उससे पहले मैटी को नेड के बारे में पता था। उसने विल में गलती की थी ये भी मैटी को पता था। वो उस पर स्ट्रांगली शक करने लग जाता है। बॉम्ब बनाने के लिए जिस मैकेनिक ने नेड को हेल्प की थी वो पुलिस कस्टडी में है। वो कुछ भी बोलने नहीं वाला, पर नेड को कॉल करता है। उसे कहता है कि जब तुमने मुझसे बॉम्ब बनवाया उसके कुछ ही दिनों बाद एक औरत मेरे पास आई थी, उसने मुझसे और एक बॉम्ब बनवाया हुआ है। जैसे कि हमें पता है नेड के साथ मैटी भी उस मैकेनिक के पास आई हुई थी, पर वो बाहर गाड़ी में ही बैठी थी, यानी कि उसे पता था कि मैकेनिक कहाँ है। नेड ने अब फिगर आउट कर लिया है कि मैटी उसे फंसाना चाहती है। अगले दिन नेड को मैटी का कॉल आता है। उसे कहती है कि अब मुझे सब कुछ पैसे मिल चुके हैं। जिस चश्मे के बारे में भी बात हो रही थी
अब वो भी मुझे वो मेड दे देने वाली है। तुम मेरे बोट हाउस जाना, वहां पर तुम्हें ग्लासेस मिल जाएंगे। नेड वैसा ही करता है, पर अब उसे मालूम है मैडी के पास एक बॉम्ब है। अगर उसने घर में इंटर किया तो बॉम्ब फट जाएगा। नेड फिर जाकर मैटी के घर से एक गन चुरा लेता है। रात में उसे मिलने के लिए आया। मैटी गन देखकर डर जाती है, कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। नेड कहता है मुझे ग्लासेस नहीं मिले। मैटी कहती है कि वो वही थे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। हमेशा इसी तरीके से स्वीट टॉक कर कर वो नेड को फंसा डालती है, पर नेड इस बार फंसने वाला नहीं। नेड कहता है कि तुम अब खुद उस बोट हाउस तक जाओगे, जाकर स्पेक्स लेकर आओगे। वो वहां तक गए और ये पूरा हाउस ब्लास्ट हो गया। मैटी और नेड पर उसका पुलिस फ्रेंड नजर ही रख रहा था। अब पूरा शक नेड पर चला गया। मर्डर के लिए उसे बड़ी सी जेल हो गई। नेड ने मैटी के हस्बैंड से गन ली थी, इसी वजह से उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बना था। इसके बाद नेड फिगर आउट करता है कि मैटी अभी भी जिंदा है, उसने शायद ये सब स्टेज किया था। वो अपने पुलिस फ्रेंड को बुलाता है, कहता है कि मैटी अभी भी जिंदा है, तुम्हें उसका पता निकालना चाहिए। ये फ्रेंड कहता है कि उस बोट हाउस में हमें एक बॉडी मिली थी, हमने जब उसे आइडेंटिफाई किया तो मैटी की ही थी। इस केस के बारे में अब उसका फ्रेंड कुछ भी नहीं कर सकता। नेड को अभी भी लगता है कि मैटी ने अपनी आइडेंटिटी फेक की होगी। वो फिर मैटी जिस स्कूल में गई थी उस स्कूल की ईयरबुक मंगवाता है। यहाँ से उसे पता चल जाता है कि मैटी का रियल नेम मैटी था ही नहीं। नेड को मैटी ने उसकी फ्रेंड से मिलवाया था जिसका नाम था मैरियन। मैटी का ओरिजिनल नाम मैरियन था। एक्चुअल में नेड की मैटी को उसकी फ्रेंड ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वो यूज कर रही थी। मैटी को बहुत सारे पैसे चाहिए थे और नेड भी उसके लिए दीवाना था। उसने फिर प्लान बनाया, अपने हस्बैंड अपने फ्रेंड को उसने मार डाला और इस सब में मैटी को उसने फंसा दिया। इसके बाद वो एक अच्छे से लोकेशन बजाकर मजे करते हुए हम देख सकते हैं। बेचारा नेड इस जेल से निकल नहीं पाया, प्यार में वो अंधा हो चुका था और इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। इसी तरीके से मूवी एंड होती है और आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।